चुका है, अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे टाइट करना है। ये देखिए आवाज आना शुरू हो गया है, यानी कि एम्पल है वो टच होना शुरू हो गया है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर मिट्टी डालना है। अब देखिए एम्पलर है वो आगे हल्का सा टच होकर चलना लग गया है, यानी हेड और एम्पलर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर जगह रहेगी तो प्रेशर अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो अब हमको मिट्टी डालना है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालना है। हमारे घर में जो पानी का मोटर लगा है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रेशर को लेकर। जब हम नया मोटर लेकर आते हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ही दिनों में उसका प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। तो प्रेशर है वो किन कारण से डाउन होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, और प्रेशर को सही करने का जो तरीका है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर है एक मोटर और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो प्रेशर है काफ़ी कम हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं काफ़ी नॉलेज देने वाला हूँ, तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो यहाँ पर है हमारे पास एक HP एरो कंपनी का पानी का मोटर, और इस मोटर में प्रॉब्लम यह है कि इसका प्रेशर है वो कम हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका जो एम्पलर है वो खराब हो गया होगा जिसके कारण प्रेशर है वो कम हो गया। तो पहले मैं आपको एम्पलर है वो दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे इसका एम्पलर बिल्कुल सही है, ये देखिए कहीं से कटा हुआ नहीं है। अगर एम्पलर कटता है तो यहाँ से डाउन हो जाता है, तो बिल्कुल भी डाउन नहीं है, फिर भी ये मोटर प्रेशर नहीं बना पा रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो हेड है इसमें गैप हो गया है, पानी घूमने के कारण हेड है वो कट जाता है, कटने के कारण प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, लेथ मशीन पर इसे थोड़ा घिसवाना पड़ेगा, यानी डाउन करवाना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रेशर बना पाएगा। तो हमको क्या करना है, ये वाली रिंग को निकालना है। ये वाली रिंग को निकालने के बाद हमें ये हेड को फिट करके देखना है, एम्पलर है वो टच होकर चलना चाहिए, हल्का सा टच होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम पावर लगाकर मोटर घूमता है या नहीं। रिंग को निकालने के बाद मोटर है वो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए, तो हम इस साइड से पेचकस से घुमाकर देखते हैं पंखुड़ी को, तो घूम रहा है, ये देखिए घूम रहा है, तो ये घूमना नहीं चाहिए, ये देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा गैप है। तो हमको क्या करना है, लेथ मशीन पे से डाउन करवाना है, उसके बाद में इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो चलते हैं लेथ मशीन पर और इसे करवाते हैं डाउन।
हमने लेथ मशीन पर कट लगवा लिया है और आप देख सकते हो इस तरह से कट लगता है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा लगाओगे तो ये ऊपर का जो कट लगाया इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो बिल्कुल हल्का सा कट लगाना चाहिए यानी कि साफ हो जाए, और यहाँ से दबा कर लगाना है। तो अब हम इसे फिटिंग करते हैं, तो फिटिंग करने का तरीका है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरह से इसे सेट करते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं मोटर के अंदर फिटिंग करके देख लेते हैं ये रिंग निकाल कर। तो अभी हमने रिंग निकाल रखा है, तो एक बार लगा कर देखते हैं कि ये पंखुड़ी घूमता है या नहीं। अब देखते हैं कि एम्पर हल्का सा टच हो रहा है कि नहीं। तो हमने हेड को फिटिंग कर लिया है और अब देखते हैं पंखुड़ी को घुमाकर, ये टाइट हो गया है यानी हल्का सा टच हो रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें रिंग लगा देते हैं, तो ये रबर का रिंग है वो लगा लेना है। अब हमें ग्रीस लगाना है, तो अब फिटिंग करते हैं। तो हमने बोल्ट को टाइट कर दिया है, अब पंखुड़ी को एक बार घुमाते हैं। तो पंखुड़ी नहीं घूम रहा यानी ये आगे टच हो गया है इम्पेलर। तो अब हम सेट कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले हम बोल्ट को थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, तो एक बार मैं खोल लेता हूँ, और फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी बहुत है, अब लगाओ पावर में। अब करते हैं स्विच को ऑन, मोटर है वो चालू हो चुका है। अब हमें क्या करना है धीरे धीरे टाइट करना है। ये देखिए आवाज़ आना शुरू हो गया है यानी कि एम्पलर है वो टच होना शुरू हो गया है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर मिट्टी डालना है। अब देखिए एम्पलर है वो आगे हल्का सा टच होकर चलना लग गया है यानी हेड और एम्पलर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर जगह रहेगी तो प्रेशर अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो अब हमको मिट्टी डालना है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालना है और थोड़ा थोड़ा यहाँ से टाइट करना है। ये सेट करने का तरीका है क्योंकि तो आवाज़ ज़्यादा बढ़ गया है, ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ये हल्का हल्का घुमाते रहना है, पानी डालना। अब जितना टच होके चलेगा उतना ही प्रेशर इसमें रहेगा। अब ये आवाज़ बंद हो जाएगा, थोड़ी मिट्टी और डालते हैं, आवाज़ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मिट्टी में कंकड़ एक भी नहीं होना चाहिए, फिर से टाइट करते हैं, धीरे धीरे टाइट करना है। एक साथ टाइट करेंगे तो ये मोटर जाम हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर हाथ लगा के देखना है हाथ को अंदर खींच रहा है कि नहीं। तो देखिए अंदर खींचने लग गया है, ये देखिए मेरा हाथ चिपक गया है, ये देखिए, ये देखिए, तो प्रेशर तो बढ़ चुका है। जितना खींचेगा उतना ही ऊपर फेंकेगा पानी, ये देखिए। थोड़ा मिट्टी और डाल दो, आवाज और कम हो जाए। तो दोस्तों अगर मोटर प्रेशर नहीं दे रहा है तो इस तरह से हमें कट लगाना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि एम्पियर नहीं कटता है और प्रेशर है वो कम हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि एम्पियर भी कट जाता है और हेड भी कट जाता है। तो हमें एम्पियर भी नया लगाना पड़ता है और हेड के अंदर कट लगाना पड़ता है। तो इस मोटर का प्रेशर है वो अच्छा हो चुका है और धीरे धीरे आवाज़ कम हो गया है। और अब हम एक बार मोटर को ऑफ करके देखते हैं कि मोटर स्टार्ट होता है या नहीं। चलाओ, तो देखिए मोटर है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है यानी जाम नहीं हो रहा है। फिर से बंद करना, फिर से चलाना, तो देखिए मोटर चालू हो रहा है
यानी मोटर में अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।